दोनों थोड़ा आगे जाते हैं, तभी आसमान से बर्फ गिरने शुरू हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बहू, ये जाड़ा तो शरीर का खून जमा रहे हैं। माँ जी आप घर जाइए, इस बुढ़ापे में आपके शरीर के लिए ठंड ठीक नहीं, मैं हलवा बेचकर आ जाऊंगी। अरे वाह भाई वाह, क्या गाजर का हलवा बनाया है, अरे खाकर तो मजा ही आ गया। जहाँ एक तरफ गरीब मजदूर चिड़िया कड़कड़ाती ठंड में खेतों में काम कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर खेत के मालिक कालू कौवा गद्दे पर बैठकर गाजर का हलवा खा रहा था। उसी में से एक मजदूर था टूना, जो ठंड में कपकपाए जा रहा था। आज तो बड़ी ठंड है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का खून जम जाएगा। तभी सेठ उसे चिल्लाकर बोलता है, अरे ओ टूना, बाप की बारात में आया है क्या? वहाँ सारे काम कर रहे हैं और तू मस्ती मार रहा है। मालिक बहुत सर्दी है, हाथ पांव सोने हो गए हैं और स्वेटर भी नहीं है। तो तू कमा कर करता क्या है, है? रोज रोज ऐसे बिना स्वेटर के आ जाता है। रोज दिन के 70 रुपए दिहाड़ी से क्या होता है मालिक, उससे मेरे परिवार का पेट भी नहीं भरता। ये दुखड़ा मेरे आगे मत रो, ज्यादा पैसे चाहिए तो कहीं और जाके काम देख ले। ये गरीब टूना की मजबूरी थी, जो रोजों से भूख और रोटी के लिए वहाँ खींच लाती थी, क्योंकि वो जानता था इस दुनिया में उसके जैसे ना जाने कितने लोग काम के भूखे बैठे हैं। दिन भर भटकने के बदले दिहाड़ी के 70 रुपए से दाल चावल खरीदता था। लगता है आज आसमान से आफत बरसने वाली है, इतनी जोर जोर से गरज रहा है। तभी बारिश आ जाती है और टूना भीग जाता है। वह कांपते ठिठुरते अपने झोपड़ी में लौटता है, जहां उसके बूढ़े माँ बाप, एक बेटी और पत्नी भूखे उसका राह देख रहे थे। मम्मा देखो पापा आ गए। माँ बहुत ठंड लग रही है, कुछ उड़ा दो ना। सुबह तक टूना का शरीर तेज बुखार से तपने लगता है और कई दिन काम पर न जाने की वजह से घर में दाने दाने के लाले पड़ जाते हैं। तभी गांव में गाजर का हलवा बेचने वाला आता है। ए गाजर का हलवा खा लो भैया, शुद्ध घी से बना खोया पिस्ता बादाम काजू वाला गाजर का हलवा खा लो। आओ आओ हलवा खा लो, गर्मा गर्म हलवा। माँ दादी माँ, मुझे भी गाजर का हलवा खाना है, देखो सब बच्चे खा रहे हैं। हलवे के लिए कुकू को ललकता हुआ देख टूनी का मन दुख से भर जाता है। कुकू बेटा, दादी माँ और माँ के पास अभी पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तो मैं बना दूंगी हलवा। बहू, जब तक टूना ठीक था पूरे परिवार को अकेले कमा कर खिलाता था, घर में एक दाना भी नहीं है। ऐसे में अब हाथ पर हाथ धरे घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हैं, वैसे भी हम गरीब जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खा पाते हैं, वरना इस दुनिया में तो गरीब को कोई एक रोटी भी देने वाला नहीं। दोनों सास बहू इस कड़कड़ाती ठंड में मजबूरी में काम ढूंढने निकलते हैं, जहां उन्हें एक चिड़िया के यहां खाना बनाने का काम मिल जाता है। उनकी मालकिन बहुत ही खड़ूस थी, वो दोनों से हर काम में पीछे पीछे लगकर काम करवाती थी। अरे ओ टूनी, ये कैसे पोछा लगाया है तूने, अभी भी कचरा सोफे के नीचे पड़ा है, चल फिर से पोछा लगा पूरे घर में। पर मालकिन अभी तो मैंने पोछा मारा है और पानी भी बर्फ जैसा ठंडा है, अब फिर से दोबारा पोछा। हाँ तो पैसे भी तो दे रही हूँ, फ्री में थोड़ी लगवा रही हूँ। बिचारी टूनी दूसरी बार पोछा मारती है, पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा होता है, जिसकी वजह से उसके पंख अकड़ जाते हैं। टूनी, अरे ओ टूनी। जी मालकिन। ये लो गाजर और एकदम साफ सुथरे तरीके से गाजर का हलवा बना दो, घी काजू बादाम सोया पिस्ता सब रसोई में रखा है।
टूनी और उसकी सास मिलकर गाजर का हलवा बना देती है। हलवे की खुशबू से उन दोनों का मन भी ललक जाता है। ठंड में गाजर का हलवा खाने का मन किसे नहीं करता, पर गरीब को तो हर रोज दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अचानक एक दिन गोरी कौवी दोनों को काम से निकाल देती है। ऐसे में टूनी और उसकी सास चिंतित हो जाते हैं। माँ जी, इतने से पैसे में हमारा पेट कब तक भरेगा? दो चार दिन में ये पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तब हम गरीब के घर का गुजारा कैसे चल पाएगा? तभी टूनी की सास को एक ख्याल सोचता है। बहू, इन पैसों से क्यों ना हम दोनों गाजर का हलवा बनाकर बेचे? ठंड में तो गाजर का हलवा खाना सभी को पसंद होता है। मगर टूना की माँ, सामान और बिना बर्तन के तुम दोनों हलवा कैसे बेचोगे? जी, इन पैसों से हम हलवे का सामान ले आएंगे। फिर दोनों सास बहू सारा सामान इकट्ठा करके अगले सुबह इधर उधर से लकड़ियाँ बीनकर लाती हैं और चूल्हे पर हलवा बनाकर टूनी उसे सर पर उठाकर हलवा बेचने निकल जाती हैं। हलवा खाओ हलवा, शुद्ध देसी घी में बना गाजर का काजू बादाम वाला हलवा। एक बार खाओगे बार बार आओगे। बहू, ठंड में तो पूरा जंगल एकदम सुनसान पड़ा है, हम लोग का गाजर का हलवा बिकेगा ना? हाँ माँ जी, बस हमें विश्वास रखना है। दोनों थोड़ा आगे जाते हैं, तभी आसमान से बर्फ गिरने शुरू हो जाते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बहू, ये जाड़ा तो शरीर का खून जमा रहे है। माँ जी, आप घर जाइए, इस बुढ़ापे में आपके शरीर के लिए ठंड ठीक नहीं, मैं हलवा बेचकर आ जाऊंगी। अपनी सास को घर भेजकर टूनी कड़कड़ाती ठंड में पेड़ के नीचे बैठकर हलवा बेचने लगी। अभी तक गाजर का हलवा नहीं बिका है, भगवान इतना भी इम्तिहान मत ले हम गरीबों का जो भूखे ही मर जाए। टूनी उदास होकर फिर से गाजर का हलवा बेचने लगी। गाजर का हलवा ले लो, स्वादिष्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा। तभी गाजर के हलवे की खुशबू से एक चिड़िया गाजर का हलवा खरीदता है। अरे सुनो बहन, जरा एक कटोरी गाजर का हलवा देना। ये लीजिए भैया जी। हलवा खाते ही चिड़िया गरीब टूनी की बड़ी तारीफ करता है। वाह बहन जी, क्या गाजर का हलवा बनाया है आपने, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा। अरे एक कटोरी और दीजिए। ये लीजिए भैया जी, लीजिए। वो चिड़िया गाजर के हलवे के बदले 100 रुपए दे देता है। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे हलवे के तो सिर्फ 50 रुपए बनते हैं। परिष्ठन में यही गाजर का हलवा हलवाइयों का बड़ा महंगा बिक रहा है। रखो रखो बहन, ये तुम्हारी मेहनत के है। बर्फबारी के बीच में उस ठंड में पेड़ के नीचे पर बैठकर टूनी अपने बाकी सारे गाजर के हलवे बेच देती है और घर वापस आ जाती है। माँ जी, सारा गाजर का हलवा बिक गया, अब कल से हमें और हलवा बनाना होगा। अगर हम दोनों का गाजर का हलवा यूं ही बिकता रहा तो हमारे दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे। अगले दिन दोनों गाजर का हलवा बनाकर उसे फुटपाथ पर बैठकर बेचते हैं। मगर उस ठंड में बेचारों के पास कोई भी साल या टोपी नहीं था, जिससे उस ठंड में उस फुटपाथ पर टिकना दोनों के लिए काफी कठिन था। दिन बीतते गए और वे अपने गाजर के हलवे के स्वाद के लिए छा जाते हैं और गाजर का हलवा बेच बेच कर उनकी आमदनी भी बढ़ने लगती है, जिससे अब वो रेडी पर सजा धजा कर हलवा बेचने लग जाते हैं। एक दिन एक पुलिस वाला उनके पास आता है। अरे ओ गरीबों के टोली, किसे पूछकर तुम दोनों यहाँ ठेला लगाए हो? चलो हटाओ ये ठेला, तुम यहाँ ये सब नहीं बेच सकते हो, समझी? चलो छोड़ो, मैं तुम दोनों को यहाँ गाजर का हलवा बेचने दूंगा। एक काम करो, जल्दी से मेरी जेब गरम कर दो। हाँ क्यों साहब, आपकी नौकरी से आपकी जेब नहीं भर रही है? वो क्या कम है जो हम गरीबों की मेहनत की कमाई खाने आए हैं? हम यहाँ हलवा क्यों नहीं बेच सकते?
टूनी की बात सुनकर पुलिस चिड़िया बौखला जाता है और सारा हलवा जमीन पर पटक देता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? क्यों हम गरीबों के पेट पर लात मार रहे हो? दया करो। पुलिस चिड़िया दोनों पर डंडा चला देता है। उस कड़कड़ाते ठंड में डंडे की मार खाकर बेचारे दोनों सास बहू की जान निकल जाती है। इतना नुकसान देखकर गरीब टूनी रोते हुए कहती है, साहब, एक गरीब का नुकसान करके तुमने ठीक नहीं किया। ऊपर वाले के यहाँ तुम्हें इन सब का हिसाब देना होगा। इतने में पुलिस की गाड़ी आकर वहाँ रुकती है, जिसमें पूरे जंगल को संभालने वाले बड़े साहब बैठे थे। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बताती हूँ साहब। टूनी बिना डरे सारी बातें बताती है। आप ही बताइए साहब जी, एक गरीब दिन रात मेहनत करके तो पैसे कमाता है, उसे भी इन जैसे पुलिस वाले रिश्वत मांगने आ जाते हैं। ऐसे में गरीब क्या कमाए और क्या खाएगा? हम गरीब जरूर हैं, पर साहब ईमान बेचकर कमाना नहीं जानते। गरीब टोनी की बातें बड़े साहब के दिल छू लेती है और उनको ठंड में कपकपाते देखकर उनको दोनों पर दया आ जाती है। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आप दोनों को यहाँ पर रेडी लगाने से कोई नहीं रोकेगा। और इस हफ्ते मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने गाजर का हलवा मेरे मेहमानों को खिलाएं। बड़ा नाम सुना है आपका। बड़े साहब के दिए मौके से दोनों सास बहू के चेहरे में बड़ी खुशी आ जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने गाजर के हलवे के लिए और मशहूर हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी गरीबी भरे हालात ठीक होने लगते हैं। रामपुर के जंगल के मुखिया टूनी और कालू कौवे के पिता थे। वे अपने बेटे कालू कौवे से बहुत परेशान रहते थे। कालू अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। टूनी भी कालू के इन हरकतों के कारण उसके साथ डांट खा जाती थी, जबकि टूनी ईमानदार और घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। टूनी के पिता को इसी बात की चिंता रहती थी कि कालू पर कभी भी जंगल को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा, क्योंकि कालू कौवा बड़ा था और बड़ा होने के नाते उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं था। इसीलिए एक दिन टूनी और कालू को उनके पिता बोले, कालू, तू कब तक इस तरह से निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के पक्षी घर का काम संभाल रहे हैं या फिर खेती में ध्यान देते हैं। तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर, पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम दोनों जंगल में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये दोनों कहाँ कहाँ भटकेंगे? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं पतंग उड़ाने टीकू के यहाँ जा रहा हूँ। खबरदार, जो पतंग उड़ाने गए, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम दोनों कल सुबह तक काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। टूनी के पिता ने जबरदस्ती कालू को काम ढूंढने के लिए भेज दिया, साथ ही साथ टूनी को भी कालू के साथ डांट खानी पड़ी। टूनी छोटी थी, बड़े के साथ छोटे को भी डांट खाना पड़ा, जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस गई। दोनों को घर से बाहर निकालने का बस यही कारण था कि दोनों एक जिम्मेदार चिड़िया बन सके और आगे चलकर उन्हें ही मुखिया बनना था। सुबह होते ही दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। कालू भी काम की तलाश में निकल तो पड़ा, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। देख टूनी, मुझे काम वाम नहीं करना, मुझे बस आराम करना है। मैं इस झोपड़ी में अपना दिन काट लूंगा, मुझे अकेला छोड़ दे और तू जा काम की तलाश में। लेकिन भैया, पिताजी को पता चला तो वो आपके साथ मुझे भी डांट लगाएंगे। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं मुखिया का बेटा हूँ, जाओ तू यहाँ से। ठीक है भैया।
इतना कहकर टूनी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कालू वहीं झोपड़ी में रुक जाता है। टूनी चलते चलते घने जंगल में पहुँची। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज जी समाधि में बैठे दिखाई दिए। टूनी सामने देखती है कि एक सांप साधु बाबा को डसने वाला है। टूनी ने देरी न करते हुए झट से डंडे से सांप को दूर फेंक दिया। शोर की वजह से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने टूनी को सांप को भगाते देखा। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचाई। आओ मेरे घर में चलो, वहाँ चलकर बातें करते हैं। बाबा आपका घर तो बहुत सुंदर है, ये तो बांस से बनी हुई है। बेटी ये बांस का घर मैंने स्वयं बनाया है। बांस को जोड़ जोड़ के बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी बिल्कुल रह सकती हो। टूनी उस साधु बाबा के साथ रहने लगी। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करती थी। वहाँ टूनी ने साधु बाबा से बांस के घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा टूनी से बोले, टूनी बेटी अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने जंगल लौटने का समय आ गया है। पर बाबा जी मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कुछ काम धंधा नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं जंगल वापस नहीं जा सकती। काम तो तुमने सीख लिया बेटी, तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने जंगल जाना और वहाँ पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है, एक दिन तुम्हारे ये बांस के घर बहुत काम आएंगे। टूनी साधु बाबा से विदा लेकर वापिस जंगल में पहुँच जाती है और अगले दिन बांस मंगवा कर पूरे जंगल में बांस के घर बनाने का काम शुरू कर देती है। पता नहीं इन दोनों को काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था, पर एक का तो पता नहीं है और दूसरा बांस के घर बनाने में लगी है। देखने में घर कितना सुंदर और मजबूत है, पर ये घर किस काम का, यहाँ कौन रहेगा? जंगल में सबके अपने अपने घर है और ये बेफिजूल की मेहनत कर रही है। टूनी कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में जगह जगह बांस के घर बना लेती है। बारिश का समय आ चुका था और जंगल में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया जिससे रामपुर के जंगल के पास वाली नदी में बाढ़ आ गई, जिससे जंगल बाढ़ की चपेट में आ गया। रामपुर के साथ साथ आसपास के जंगल भी डूब रहे थे। सभी चिड़िया इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें बांस के घर बने दिखाई दिए जो काफी ऊंचे बने हुए थे। पूरे जंगल के चिड़ियों ने बाढ़ से बचने के लिए टूनी के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। टूनी के माता पिता भी उसी बांस के घर में शरण लेते हैं। पिताजी मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर काम आएंगे और आज हमारे पूरे जंगल बाढ़ के चपेट में आ गया है। जंगल में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है पर ये बांस का घर नहीं डूबे। हमारे सभी जंगल के पक्षी सुरक्षित हैं। हाँ टूनी बेटी तूने तो सचमुच जंगल के चिड़ियों के लिए जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर नाज है बेटी, और ये कालू बड़ा होकर न जाने कब समझेगा, पता नहीं कहाँ मर रहा है। कई दिनों तक पक्षी आराम से बांस के बने घरों में रहते हैं। धीरे धीरे पानी कम हो गया। जंगल के चिड़ियों ने टूनी की बहुत तारीफ की। दूसरे जंगल के पक्षियों ने इस बात को सुना तो वो लोग भी बांस के बने घर को देखने आने लगे। सरपंच जी आपकी बेटी तो बहुत होनहार है, बांस के घर बनाकर इसने सचमुच आपके जंगल की चिड़ियों को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं कि टूनी हमारे जंगल में भी ऐसे ही बांस के घर बना दें ताकि बाढ़ आने पर हमारे जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित रहे। जितनी भी लागत आए वो तुम ले लेना टूनी, और हम सबके जंगल में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू कर दो।
ठीक है, मैं कल से ही और पक्षी को अपने साथ मदद के लिए बोलती हूँ। और आप सब चिंता मत कीजिए, मैं सभी के जंगलों में बांस के घर बना दूंगी। भला हो उन साधु बाबा का जिन्होंने मेरी बिटिया को इतनी मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हैं, हमारी टूनी ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। कालू तो नलायक निकला जो मुसीबत में भी मदद को नहीं आया। टूनी के द्वारा बनाए गए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से जंगल के मुखिया अपने जंगल में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे टूनी के बांस का घर बनाने का काम व्यापार में बदल गया और उसने इस काम में बहुत तरक्की की। टूनी ने मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद दिया, जिसके कारण टूनी को सफलता मिली थी। वहीं कालू कौवा का झोपड़ी बाढ़ के पानी में टूटकर बह गया था और कालू कौवा इधर उधर भटकने को मजबूर हो गया था। एक दिन टूनी कालू कौवे को जंगल में भटकते हुए देख लेती है। भैया आप यहाँ और इस हालत में, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? टूनी मेरी झोपड़ी बाढ़ के पानी में बह गया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाया हूँ। कुछ काम नहीं था इसीलिए घर भी नहीं लौटा, पिताजी के डांट खाने के डर से। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे मत बोलिए भैया, चलिए मेरे साथ चलिए और मेरे साथ बांस के घर बनाने में मेरी मदद करना। इस तरह टूनी कालू कौवे को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे भी बांस के घर बनाना सिखा देती है।